रशिया की एक दिग्गज जादूगर ने बोला वो मुसलमानों को छू भी नहीं सकती। शी कैन नॉट इवन टच मुस्लिम्स। आई नो मुझे हद से ज़्यादा वाला अचंभा हो रहा है ये सुन करके, पर इतना मुझे ज़रूर पता है कि इस्लाम के अंदर ऐसा होता है कि जादू को हराम बताए, टोटका टोना टोटका कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, दिस इज़ हराम इन इस्लाम। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई एम वेरी क्यूरियस, आई वॉन्ट टू वॉच दिस इंटरव्यू यार। एग्जैक्टली मुझे तो वो रशियन दिग्गज मैजिशियन को बोलते हुए देखना है कि आई कैन नॉट इवन टच मुस्लिम्स। और ये जो बात बोली गई है ये बहुत बेहद गंभीर है, क्योंकि जादूगरी एक ऐसी कला है, एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत फेमस होती है, मशहूर होने के साथ साथ बहुत कारगर भी होती है। आप सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि यार तुमने देखा नींबू मिर्ची पड़ा हुआ था रोड पे, कोई डाल के चला गया है मटके के अंदर कुछ तो भी करके, अभी इसके ऊपर से अगर गाड़ी का टायर निकल गया या हम कोई पैर रख के निकल गए तो हमारे ऊपर काला साया आ जाएगा या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसी वारदात होती रहती है। आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स इन माई लाइफ एंड आई हेट इट। एक एंटरटेनमेंट के लिए जो मैजिक होता है वो ट्रिक्स होती हैं, वो अलग होता है, उससे किसी का कुछ बुरा नहीं होता। वो शर्ट के अंदर जैसे उन्होंने कोई बहुत रंग बिरंगा सा कपड़ा रख लिया है और फिर एकदम से वो प्रकट हो जाता है, तो दैट्स जस्ट फॉर फन। बट ये जो ब्लैक मैजिक है इसको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो इंसान जहनी तौर पे अच्छा नहीं है। खैर फिलहाल उस रशियन मैजिशियन को सुन ले कि उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी कि मैं मुसलमानों को छू भी नहीं सकती। क्यों? ईमान इतना ज्यादा अच्छा पक्का होता है या अल्लाह की रहमत मुसलमानों पे हद से ज्यादा होती है? चलो लेट्स एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत जी, और आप देख रहे हैं हसी टीवी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वेरी एक्साइटेड। हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और इसे करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिर्क है। और शिर्क इसलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की मदद से किसी शख्स के दिमाग पर कब्जा करके इसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़र का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है, जब फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो वो वहां मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की मदद से सांप नजर आने लगी, मगर असल में वो रस्सियां ही थी। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसम मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अफ्ताह बनकर इन सांपों को निगल गया, जो कि असल में मौजा था ना कि कोई जादू। क्योंकि जादू तो सिर्फ नजर का धोखा होता है, जबकि ये असदहा हकीकत के अंदर वही असदहा के अंदर बदला था ना कि किसी नजर के धोखे से। और यही वजह थी कि वहां मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मौजा है, और इसीलिए ईमान ले आए, क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे इसीलिए इस बात को समझ गए। ये बात आपने वीडियो के आखिर तक माइंड में रखनी है। रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है, वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगम्बर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राबते के अंदर रहते हैं, इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूँ, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore.
and this egregore protects them very well. ये लोग हमेशा एग्रीगोर से रابطे में रहते हैं. एग्रीगोर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की जात. इसका मजीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से रابطे में रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं. ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहां पर चक्कर लगाते हैं. क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुंचाते रहते हैं और बदले में इनका खुदा ना सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है. इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है. इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है. इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं पर इनके लिए हाँ बिल्कुल है. क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज मुझे बाहर लाकर फेंक देती है. मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तसव्वुर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ, मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तसव्वुर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है. मैं नहीं जानती कि कैसे, और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है. इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में ही होता है. इसने जवाब दिया कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. अल्लाहु अकबर. ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं. जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जो भी अल्लाह की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं. तो गैर मुस्लिम और एथियस ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीज़ों का फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकती लिहाजा हम इसे नहीं मानते. ये वो कम अकल लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनका फिजिकल जिस्म मौजूद है पर इसके साथ साथ इनका कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो कि जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह. ये मानते हैं कि इनका दिमाग तो मौजूद है पर इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है, इसे हम देख नहीं सकते. ये मानते हैं कि ग्रेविटी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रेडिएशन वगैरह सब मौजूद हैं जो कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं पर इन्हें इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं. ये मानते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, खुशी ये सब फीलिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है. लेकिन फिर भी इन सब अनदेखी चीजों पर यकीन रखते हैं, सिर्फ यकीन नहीं करते तो सिर्फ उन बातों पर जो कि कुरान में या इस्लामी तालीमात के अंदर बयान की गई हैं. इससे बड़ी मुनाफकत भला क्या हो सकती है. क्योंकि अगर इनका स्टैंडर्ड एक ही है तो इन सब ना नजर आने वाली चीजों का फिजिकल वजूद पहले साबित करें और उसके बाद उस पर यकीन रखें. अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कुछ मेटाफिजिकल कानून ऐसे रखे हैं जिन्हें ना इंसानी आंखें देख सकती हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकते हैं. अपनी फील्ड में माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशन के बारे में हकीकत बयान कर सकता है. तो क्या इस रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों फर्ज की गई? क्या इसलिए नहीं कि इंसान अपने खालिक के मजीद करीब हो सके और ये नमाज इंसान को बेहयाई, बुराई से रोके और शैतानों से जो कि गुनाहों के लिए इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं इनसे बचा कर रखे? अब सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह चाहता तो बिना किसी नमाज के भी अपने मानने वाले बंदों को इन शैतानों से बचा सकता था तो फिर नमाज क्यों फर्ज की गई? तो इसका जवाब हमें सूरह हिजर की आयत 39 के अंदर मिलता है कि जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है मैं भी जमीन के लोगों के लिए गुनाहों को इनकी नजरों में आरास्ता करके दिखाऊंगा और इन सबको बहकाऊंगा लेकिन इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है. क्या ये कुरान के वही अल्फाज नहीं जो कि ये जादूगरनी अपने इंटरव्यू में दोहरा रही है? इसके बाद अल्लाह पाक मजीद फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है. जो मेरे मुखलिस नेक बंदे हैं इन पर तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू इनको गुनाहों में डाल सके. हाँ मगर गुमराहों में से लोग तेरे पीछे चल पड़ेंगे और इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है. यानी शैतान का ये वादा था कि वो इंसानों को क्यामत तक अपनी शैतानी फौज से बहकाएगा और इसके बहकावे में वही शख्स आएगा जो कि नापाकी, बेहयाई और गुनाहों में डूबा रहेगा फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो. क्योंकि इस जादूगरनी ने भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी नाम के नहीं बल्कि दीन पर अमल करने वाले मुसलमान इससे बचे रहते हैं. कुरान करीम में एक बार नहीं बल्कि इसी से मिलते जुलते अल्फाज सूरह अल आराफ़ की आयत 14 के अंदर कुछ इस तरह से बयान होते हैं कि इसने यानी शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे उस दिन तक की मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे यानी क्यामत तक. अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा जा तुझको मोहलत दी. फिर शैतान ने कहा कि तूने तो मुझे मालूम किया है मैं तेरे सीधे रास्ते पर इन लोगों को भी गुमराह करने के लिए बैठूंगा फिर इनके आगे से, पीछे से, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से यानी चारों तरफ से इन पर हमला करता रहूंगा और तू इनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा.
यानी ज्यादातर लोग गुमराह हो जाएंगे